तो चलिए आज मैं आपको लेके चलती हूँ हरिद्वार के एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में, जहाँ की माता पार्वती ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। देवऋषि नारद की सलाह पर पार्वती ने बिल्वपत्रों से घिरे मनोरम बिल्व पत्र पर आकर शिव की कठोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर दोबारा उनकी अर्धांगनी बनी। हरिद्वार से पश्चिम में हर की पौड़ी से थोड़ी ही दूर पर ये पावन स्थान है, जहाँ प्रतिष्ठित बिल्वकेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है। यहाँ शेषनाग के नीचे रिंग रूप में विराजे हैं बिल्वकेश्वर महादेव। कहते हैं पार्वती यहाँ बेलपत्र खाकर अपनी भूख शांत किया करती थी, लेकिन जब पीने के लिए पानी की समस्या आई तब देवताओं के आग्रह पर स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल से गंगा जल की धारा प्रकट की। यह आज बिल्वकेश मंदिर से महज 50 कदम की दूरी पर गौरीकुंड के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है तपस्या के दौरान माता पार्वती इसी गौरीकुंड में स्नान किया करती थी और इसी कुंड का पानी पिया करती थी। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर भोले मंडारी जटाधारी भगवान शिव शंकर का धाम है। यह माता पार्वती की तपोस्थली है, जहाँ की गई आराधना और तपस्या से शिव शंकर जल्द प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। कहते हैं यहाँ आकर श्रद्धा से भोलेनाथ को स्मरण करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को देते हैं मन चाहा वरदान। तू ही अरुण तिलकमुन्ननियू।